आदाब हाजरीन महफिल। धानु इतना खूबसूरत शहर है, मैं सुना करती थी, और आज यहाँ पर आने के बाद आप सबकी मोहब्बत भी मैंने देख ली आज के हमारे साहिब जश्न। खैर, मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ मिराज खान साहब को और उनके बहुत ही अजीज दोस्त जनाब जी, हाँ, फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने आज की खूबसूरत शाम सजाई है। तो आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद इस खूबसूरत शाम की। आइए, मैं, वक्त कम है हमारे बीच में, बहुत सारे हमारे अहबाब शोरा हैं और शायरात हैं, तो मैं अपने कलाम से आप सभी से रूबरू होती हूँ। तराशेगा कई पत्थर मेरी मूरत बनाएगा, मैं चाहती हूँ कि शरीक हो जाएं आप सब और अपने होने का भी एहसास दिलाएं। तराशेगा कई पत्थर मेरी मूरत बनाएगा, जमाने भर की शक्लों से मेरी सूरत बनाएगा। वाह वाह, तराशेगा कई पत्थर मेरी मूरत बनाएगा, जमाने भर की शक्लों से मेरी सूरत बनाएगा। जुदा होकर के मुझसे रो रहा किस्मत पे वो अपनी, जुदा होकर के मुझसे रो रहा किस्मत पे वो अपनी, कभी जो मुझसे कहता था मेरी किस्मत बनाएगा। और जब ऐसे सामईन रूबरू हों, सामने हों, तो कोई भी शोरा मंच पे हो या शायरा हो, तो ढेर सारी मोहब्बत की उम्मीद करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सब शरीक होकर सुने और अच्छा लगे तो थोड़ी सी अपनी मौजूदगी भी जाहिर करें अपनी तालियों के माध्यम से। खैर, आइए, मैं एक, वक्त कम है तो मैं कुछ तरन्नुम में आप सभी से मुखातिब होती हूँ, एक गज़ल को लेकर कुछ अशआर इसके देखेंगे। रेत की मानिंद मुट्ठी से फिसलती जिंदगी, रेत की मानिंद मुट्ठी से फिसलती जिंदगी, रात के डर से जरा सी और ढलती जिंदगी, रात के डर से जरा सी और ढलती जिंदगी, जिंदगी का बस यही हासिल के कुछ हासिल नहीं, हासिल नहीं, राख हो जाऊंगी एक दिन, राख हो जाऊंगी एक दिन, वाह, लेके जलती जिंदगी, वाह वाह वाह, राख हो जाऊंगी एक दिन, लेके जलती जिंदगी। और एक शेर ये देखें, अगर दिल तक पहुंचे तो आप सबकी मोहब्बत भी चाहिए। वाह वाह वाह, क्योंकि सब, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ खाने में मसरूफ है, कोई बात नहीं। हमने उड़िया मौत का देखा तमाशा बारहा, क्या बात है, हमने उड़िया मौत का देखा तमाशा बारहा, वाह, पर नजर आई नहीं कपड़े बदलती जिंदगी, बहुत बहुत शुक्रिया। पर नजर आई नहीं कपड़े बदलती जिंदगी, रेत की मानिंद मुट्ठी से फिसलती जिंदगी। और दुल्हन एक बड़ा ही खूबसूरत शब्द है और दुल्हन से जुड़े हुए कितने सारे पहलू होते हैं। मैं गज़ल के माध्यम से एक दो अशआर रखती हूँ इस गज़ल से। तेरे ख्यालों के तन से लिपटी मेरे ख्यालों में एक दुल्हन, तेरे ख्यालों के तन से लिपटी मेरे ख्याल
जवाब बनकर उभर रही है, जवाब बनकर उभर रही है मेरे सवालों में एक दुल्हन मेरे ख्यालों के तन से लिपटी, मेरे ख्यालों में एक दुल्हन। और महंत साहब भी मंचासीन है, मुझे लगता है कि कोई भी हो, और इस शेर पे गौर फरमाएं, देखें कि नजर बिछाए शिला हुई मैं कभी अहिल्या कुराम तारो, नजर बिछाए शिला हुई मैं कभी अहिल्या कुराम तारो, हजारों सदियों के शब से निकले कभी उजालों में एक दुल्हन, मेरे ख्यालों के तन से लिपटी मेरे ख्यालों में एक दुल्हन। वाह वाह वाह। और ये एक शेर मैं चाहती हूँ कि आप सब, कुछ लोग बहुत प्यार से सुन भी रहे हैं और कुछ लोग अपने में ही गुफ्तगू कर रहे हैं, खैर ये मुशायरे में बैठने का सलीका नहीं होता है, कोई बात नहीं, आज हम जश्न के माहौल में हैं तो हर बात की माफ़ी है। शेर पे गौर करें कि दहेज दे कर के ब्याह ना मत कभी दरिंदों में लाडली को, दहेज दे कर के ब्याह ना मत कभी दरिंदों में लाडली को, हवस जो दौलत की बढ़ गई तो, हवस जो दौलत की बढ़ गई तो जलेगी तालों में एक दुल्हन, तेरे ख्यालों के तन से लिपटी मेरे ख्यालों में एक दुल्हन, दुल्हन। और एक गजल से मैं कुछ अशार रखती हूँ, हिजाब कर दूं तुझे या हिजाब हो जाओ, हिजाब कर दूं तुझे या हिजाब हो जाओ, पहन के मैं तेरा चेहरा, पहन के मैं तेरा चेहरा नकाब हो जाऊं, हिजाब कर दूं तुझे या हिजाब हो जाऊं, अभी तो सिर्फ समेटे हैं मैंने कुछ पन्ने, अभी तो सिर्फ समेटे हैं मैंने कुछ पन्ने, मुझे तू पढ़ने लगे तो किताब हो जाऊं, पहन के मैं तेरा चेहरा नकाब हो जाऊं, हिजाब कर दूं तुझे या हिजाब हो जाऊं। और मैं जाते जाते, क्योंकि ये जश्न का माहौल है, और मिराज खान साहब की के जन्मदिवस का माहौल है, तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सोहर गाते हैं, और ये मुबारक मौका है। मैं चाहती हूँ कि दो लाइन में उत्तर भारतीय इस फोक गीत की मैं झलक थोड़ा सा सुना दूँ, और मिराज साहब को समर्पित है ये सोहर, आज आपका जन्म ही हुआ है एक तरीके से हम मानेंगे। जुग जुग जिया सोलनवा, जिनके हाथ खाली है मैं चाहती हूँ ताली बजाएं और ताली बजा के आशीर्वाद दें मिराज खान साहब को। जुग जुग जिया सोलनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ऐसे नहीं, जुग जुग जिया सोलनवा भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। और वाकई आप अपने कुल के दीपक हैं, समाज के दीपक हैं, और हम जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं सब
अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। ईश्वर बहुत सारी दुआओं से आपको नवाजे, बहुत सारा आशीर्वाद दे। पूनम की यही शुभकामनाएं हैं सर आपके लिए, और आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजा के सर को आशीर्वाद। बहुत शुक्रिया।